वापस ले जाने की। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर्स यूनियन ने अपनी मांगे माल लिए जाने के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया है। जिला प्रशासन की पहल पर टाटा स्टील के वेंडर के साथ शनिवार को यूनियन की हुई त्रिपक्षीय बैठक में कंपनी के वेंडर द्वारा लोकल ट्रेलर्स यूनियन की सारी बातें मान ली गई, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। बता दें कि जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने टाटा स्टील द्वारा अपनी मांगे नहीं माने जाने को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को आंदोलन शुरू किया था। ट्रेलर ओनर्स ने शनिवार सुबह वर्ल्ड माइंस पार्किंग गेट पर अपने वाहन खड़े कर वहां अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने अपनी मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन और तेज करने की चेतावनी भी दी थी। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पहल करते हुए शनिवार को टाटा स्टील के वेंडर के साथ ट्रेलर ओनर्स यूनियन की बैठक कराई। बैठक में लोकल ट्रेलर्स का भाड़ा लोकल में 185 व कमरिया का 240 रुपए करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही लोकल ट्रेलर ओनर्स की अन्य मांगे भी मान ली गई, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। वहीं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर्स यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने समझौते को यूनियन की जीत बताते हुए आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने इसमें जिला प्रशासन के सहयोग की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि अब स्थानीय ट्रेलर ओनर्स यूनियन को कोई शिकायत नहीं है। पूरा सहयोग किया हम लोग का बात मानने के लिए और हमारी पूरी जीत हुई है और हमारी गाड़ी मालिक पूरा पूरा खुश है। हम लोग का सारा डिमांड मान लिया गया है। तो मांगे थे रेट का, रेट मिला। 1500 मार्केट गाड़ी है, मार्केट गाड़ी 1500 में चलेगी। बाकी आपका जो हम लोग का मेंटेनेंस का है तो बोले कि हम इस पर बातचीत करेंगे।